साथियों को नमस्कार, मैं हूं शालिनी वर्मा, सबका अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूं। हमारे हाथों में है किस्मत की लकीरें। हर व्यक्ति का हाथ कुछ ना कुछ अलग होता है, हर व्यक्ति की लकीरें अलग होती हैं, हर व्यक्ति के हाथ का शेप उभार सब अलग होता है। इसीलिए हर व्यक्ति की डेस्टिनी, किस्मत, सब कुछ अलग होती है। तो आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। आज मैं आपको देने जा रही हूँ कुछ ऐसे खास टिप्स जिससे आपका जीवन भी धन दौलत से भर जाए और लग्जरी को आप भी इंजॉय करने लगे। बहुत सारी चीजें तो एक बार में हाथ के बारे में बताई ही नहीं जा सकती, क्योंकि हाथ में तो न जाने कितने खजाने छुपे हुए हैं। हाथ को देखकर कितनी सारी प्रिडिक्शंस की जा सकती हैं, उन पर तो आज हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन सी वो खास जगह है आपके हाथ में जहां पर कौन सा स्पेशल नंबर लिख दें और एक छोटी सी आकृति बना दे जिससे आपका जीवन धन और ऐश्वर्य से भर जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र पर्वत की। शुक्र सब लोग जानते हैं, जिसके जीवन में शुक्र अच्छा हो, वीनस अगर किसी का स्ट्रांग है तो वो व्यक्ति अच्छी लाइफ को जीता है, लग्जरी को जीता है, उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, उसके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि शुक्र जीवन में सब कुछ, वो सारी चीजें देता है जो एक व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए चाहिए। सारी चीजें शुक्र के होने से मिलती हैं। मगर क्या हो अगर आपका शुक्र मजबूत ना हो? तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि कैसे आप अपने शुक्र पर्वत को मजबूत करके अपने जीवन में वीनस को स्ट्रांग कर सकते हैं। सभी लोग ये उपाय कर सकते हैं। वीनस स्ट्रांग होगा मीन्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाए। तो शुक्र पर्वत से शुरुआत करते हैं। कहां पर हाथ में शुक्र पर्वत है? तो साथियों, ये जो जगह है अंगूठे के नीचे की, जो ये जगह है ना, ये है हमारा शुक्र पर्वत। ये जितना ज्यादा आपका शुक्र पर्वत, ये वाली जगह आपकी, जितनी ज्यादा अंगूठे के नीचे का ये वाला जो जगह है, जितनी ज्यादा ये जगह आपकी उभार लिए हुई होगी, यानी कि जितना ऊंचा पर्वत होगा उतना ही शुक्र आपका मजबूत होगा और आपको जीवन में सब कुछ दे रहा होगा। मगर उनका क्या जिनका ये पर्वत जो है बिल्कुल फ्लैट है, कुछ है ही नहीं, एकदम फ्लैट। बहुत लोगों की हथेलियां आपने देखी होंगी, फ्लैट होती हैं, कोई उभार नहीं होता उनमें। तो जो बिल्कुल फ्लैट है, जिनका शुक्र पर्वत नहीं है उभरा हुआ, वो लोग क्या कर सकते हैं? शुक्र पर्वत अगर आपका उभरा हुआ होता है तो लग्जरी तो मिल ही रही होती है, मगर देवी देवताओं की कृपा भी आप पर बहुत रहती है। शुक्र पर्वत स्ट्रांग होना यानी ईश्वरी ब्लेसिंग्स, जो गॉड ब्लेसिंग्स जो होती है ना, वो भी हमको मिलती हैं। उससे इंडिकेट इससे होता है कि क्या आपके साथ ईश्वरी कृपा जुड़ी हुई है, क्या आपकी लाइफ में ये चीजें हैं। क्या अगर ये पर्वत आपका नहीं उभार लिए है, आपके रिलेशनशिप्स भी खराब होंगे, लाखों एफर्ट्स के बाद भी मैरिड लाइफ आपकी अच्छी नहीं हो सकती। बहुत लोग होते हैं, पैसा भी है, घर पे ध्यान भी देते हैं, लेकिन फिर भी रोज का लड़ाई झगड़ा होता है। जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि वीनस उनका स्ट्रांग नहीं है, वीनस वीक है। अगर वीनस वीक है तो अपना असर कहीं ना कहीं जरूर दिखाएगा। तो आज मैं आपको देने जा रही हूं 3 टिप्स जो आप करेंगे अपने शुक्र पर्वत को मजबूत। नहीं उभार लिए कोई बात नहीं, पर याद है ना, एनर्जी फ्लोज वेयर इंटेंशन गोज। जहां पर हमारा इंटेंशन जाने लगता है, एनर्जी वहां फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो आज हम छोटी सी 3 ऐसी ट्रिक्स लगाएंगे कि आपका शुक्र मजबूत हो। सबसे पहला, शुक्र पर्वत पे आपको लगाना है परफ्यूम। कैसे आप लगाएंगे? रोज का नियम बना लीजिए शुक्र को स्ट्रांग करने की। बहुत अच्छी रेमेडी होती है परफ्यूम लगाना। तो आपने क्या करना है, सुबह नहा धोने के बाद थोड़ा सा परफ्यूम लेके यहां पर ऐसे लगा देना। ऐसे लगाइए डेली परफ्यूम, मन में ये रखते हुए मेरा शुक्र स्ट्रांग हो रहा है। आपने सोचा तो वैसा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हाथ में जो लकीरें हैं वो तो है ही, लेकिन हम बहुत सारे उपाय रेमेडीज करके उनको बदल भी सकते हैं। कर्म से हम बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं। तो कर्म करना शुरू कर दीजिए, जितना हो सके उतना अच्छा तो काम करिए, मेहनत करिए। लाइफ में मेहनत करेंगे तो सब कुछ हासिल हो जाता है। शुक्र को स्ट्रांग करने का पहला उपाय आपने किया, ली और परफ्यूम कोई भी लगाइए, गुलाब भी लगा सकते हैं और कोई और भी इत्र आपके पास है, आप वो इत्र लगाइए, रेगुलर लगाइए, रोज का नियम बना के लगाइए। धीरे धीरे लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। जो सुगंध
आपको अच्छी लग जाए, आपके मन को मोह जाए, वो सुगंध जरूर लगाइए। पर जब भी हम सुगंध लगाते हैं ना, हमेशा ये चीज याद रखना, कुछ चीजों में पैसा खर्च करने में कभी भी संकोच नहीं करना। जैसे अगरबत्ती, जब भी आप धूप या अगरबत्ती लगाएं ना, हमेशा अच्छी क्वालिटी लगाएं। क्यों? जितनी ज्यादा अच्छी महक होगी, उतना ही ज्यादा उसका यूजफुल वो आपके लिए है। तो ऐसे ही सुगंध भी, इत्र भी, हमेशा वो चूज करें जो खुशबू आपके मन को मोह ले। भले ही वो महंगी हो, उसको ले लेना, क्योंकि उससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपने जो भी खुशबू आपको पसंद आ जाए वो लें, और शुक्र पर्वत पे अंगूठे के जो नीचे का स्थान, जो ये वाली जगह होती है ना, ये शुक्र पर्वत है, तो इस वाली जगह पे आपको जरूर इत्र लगाने का नियम बनाना है। ये है मेरी पहली रेमेडी। दूसरी रेमेडी जो आप करेंगे वो है 6 नंबर लिखिए, 6 नंबर लिखिए शुक्र पर्वत पे। शुक्र का नंबर है 6, जिसका डेट ऑफ बर्थ 6 होता है, 15-24 होता है, वो तो अपने आप में लकी होते हैं कि उनका शुक्र उनके साथ जुड़ा हुआ, जन्म से उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो तो भाग्यशाली ऑलरेडी है ही। मगर जिनके पास 6 नंबर नहीं है, जिनका शुक्र अच्छा नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर लिखेंगे 6 नंबर। डेली लिखने का नियम बनाइए, सबसे पहले इत्र लगाइए, उसके बाद लिख लीजिए 6 नंबर। ये आपको रेगुलर करना है। कब तक करें ये बिल्कुल ना पूछना। जब तक आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि शुक्र आपका स्ट्रांग रहे, लग्जरी मिलती रहे, तब तक इसको लिखते रहिए। जीवन के लिए नियम बना लीजिए, मैं 6 नंबर यहाँ पर लिखूंगा। बहुत आजकल पेन ऐसे भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो इनविजिबल होते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे वो किसी और को भी दिखेगा ही नहीं, तो आप चाहे तो इनविजिबल पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मेरा कहना ये है, लिखा है तो लिखा है, आप किसी और को क्या फर्क पड़ना आपने लिखा है तो आप लिख लीजिए अपने शुक्र पर्वत पे 6 नंबर। तीसरी जो टिप है वो है, पेन लेकर अपने शुक्र पर्वत पे ड्रॉ कर लीजिए एक ट्रायंगल। कैसे करेंगे? ये आपका शुक्र पर्वत है, यहां पर आपने ट्रायंगल बना दिया इस तरह से, त्रिभुज। ट्रायंगल जो लोग नहीं समझते, त्रिभुज जिसकी 3 रेखाएं समान होती हैं, ट्रायंगल बचपन से मैथ्स में, ज्योमेट्री में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जिसके हाथ पर शुक्र पर्वत पे ट्रायंगल बना हुआ होता है, तो वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती, कभी भी उसे फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होती। मगर उनका क्या, जिनके हाथ पे बना नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बना हुआ है तो पेन से बनाने की नियम बना लीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे, कहते हैं ना कि जो चीज हम सोचना शुरू कर देते हैं वही चीज हम अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम करता है। जब आपने ये 3 उपाय करने शुरू कर दिए और सोचना शुरू कर दिया कि मेरा शुक्र बलवान हो गया, तो समझ लीजिए ट्रायंगल भी अपना काम करने लगेगा। जो नहीं बना है, जो नेचुरली नहीं बना हुआ है, वो आप बनाकर उसे इमेजिन करिए कि बना है आपके हाथ में, और आप देखिए कैसे इन 3 उपायों को करिए, और करिए अपने वीनस को स्ट्रांग। लगातार अगर ये 3 उपाय करते जाएंगे तो आपका शुक्र रहेगा मजबूत। लाइफ में कभी भी पैसों की कमी नहीं आपको होगी। उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो को आप लोग पसंद करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। मैं हूँ शालिनी, अगले वीडियो में फिर किसी अच्छे से टिप के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक सबको नमस्ते।